HNB, UMU, BSc Nursing, JNM, NM, Paramedical Counseling 2023। जैसे कि मैंने कहा था कि कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। फाइनली हो इंतज़ार आप तमाम स्टूडेंट का ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूट्यूब में HNB, UMU के रिगार्डिंग ऐसी कट ऑफ वीडियोस आपको किसी भी यूट्यूबर के द्वारा प्रोवाइड नहीं होगी। और मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी इसके रिगार्डिंग कहा था कि अपडेट विद नब्बू की टीम की तरफ से आपको हर अपडेट प्रोवाइड होगा। और जो स्टूडेंट मेरे साथ ग्रुप में ऐड हुए थे उन स्टूडेंट में से 230 स्टूडेंट मेरे साथ ऐड थे, उसमें से 65 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था और उन तमाम स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल चुका था। देखो स्टूडेंट, आप मेरे साथ ग्रुप में ऐड नहीं हुए, फिर भी मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प आप लोगों की करूँगा और मैंने की भी है। स्टूडेंट आपने देखी होगी, मैंने हर एक वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की है। पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, सर हमारी कट ऑफ वीडियोज़ कब तक आएगी। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो पैरामेडिकल में जो कोर्सेज रहते हो अलग अलग डिवाइड होती है, जिसके कारण उनकी जो कट ऑफ वीडियोज़ है वो अलग अलग कोर्स के रिगार्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर मुझे टाइम मिलेगा स्टूडेंट तो ज़रूर मैं पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए भी वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले स्टूडेंट, चाहे हो पैरामेडिकल वाले भी हो, इस वीडियोस में उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग। ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ये कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं डिस्कस करूँगा। पहले मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ यूनिवर्सिटी से। देखो स्टूडेंट, इस बार काफ़ी गलती यूनिवर्सिटी से हुई है। आपने देखा होगा जब आपने काउंसलिंग की थी, काफ़ी स्टूडेंट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे वो सो ही नहीं कर रहे थे। आपने देखा भी होगा जिन स्टूडेंट ने काउंसलिंग की थी मेरे साथ भी ग्रुप में ऐड थे, 8 से लेकर 10 बच्चे ऐसे थे मेरे ग्रुप में जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलना था लेकिन उनका जो ऑप्शन है वो आ ही नहीं रहा था। सबसे बड़ी गलती यूनिवर्सिटी ने की थी। आप लोगों की भी सेम ये गलती मैंने जब मैं यहाँ पे कट ऑफ वीडियोज़ बना रहा था, मैं मेंशन भी करूँगा, दिखाऊँगा भी आपको, तो वो जो गलती है मेरे को यहाँ पे जब मैं काउंसलिंग के जो आपकी PDF आई वहाँ पे जब मैं कट ऑफ बना रहा था वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट ने जो गवर्नमेंट कॉलेज थे वो मिस कर रखे थे, जिसके कारण जिन स्टूडेंट की रैंक ज़्यादा थी उनको वो कॉलेजेस एलोटेड हुए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए BSc नर्सिंग की बात करूँगे तो चंपावत का कॉलेजेस ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी उन्हें एलोटेड हुआ है। बीच में जिन स्टूडेंट ने चंपावत का कॉलेजेस नहीं भरा था इसके कारण उन्हें प्राइवेट कॉलेजेस एलोटेड हुआ है, चाहे तो आप PDF की लिस्ट में देख सकते हैं स्टूडेंट। सेम यही हाल JNM का है, सेम यही हाल NM का है। NM में तो काफ़ी ज़्यादा गलतियां मुझे दिखाई दी, जो जिनकी स्टूडेंट की रैंक काफ़ी कम थी उन्होंने 1-2 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस डाले जिसके कारण उन्हें कोई भी कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुआ था। मैंने आपको काफ़ी बार भी कहा था स्टूडेंट, जब आप काउंसलिंग करोगे तो पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस डालना। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती, इतने कम फीस में आप 7 जन्म में भी नहीं सोच पाओगे कि इतनी कम फीस में आपका एक कोर्स होता है। देखो स्टूडेंट, BSc नर्सिंग का नॉर्मली जो कोर्स होता है आपका 11,000 का, JNM का 6,000 और NM का 3,800 समथिंग होता है। और यहीं अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो BSc नर्सिंग का जो खर्चा है 1.5 लाख चले जाता है एनुअल, JNM का भी 70 से लेकर 80 और NM का भी 60 से लेकर 70 हज़ार, रहना खाना वो अलग। तो देख सकते हैं स्टूडेंट कितना बड़ा फ़ायदा होता था गवर्नमेंट में, यही चीज़ें मैं आपको कह रहा था स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे कि सर ये आप स्टार्टिंग का जो बता रहे हैं कि स्टार्टिंग दिस वीडियो, कुछ काफ़ी लोग स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स आपको बताना बहुत जरूरी था स्टूडेंट, ताकि ये गलतियाँ आप सेकंड काउंसलिंग में ना करें। ये चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ पूरी देखा करो। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग। ध्यान देने स्टूडेंट, सबसे पहले जनरल ओपन की, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ, जनरल ओपन, ओपन और वुमेन वाली जो सीटें होती है वो क्या होती है। सेम ये मैं JNM में भी करूँगा क्योंकि JNM में 2 प्रकार की सीटें होती है, आपको पता है, बॉयज़ के लिए 20%, बाकी गर्ल्स के लिए 80%। वहाँ पर मैं ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट के लिए डिस्कस करता हूँ। ध्यान देने स्टूडेंट, आप चाहे JNM वाले हो, NM वाले हो, BSc नर्सिंग वाले हो, पैरामेडिकल वाले, जनरल ओपन, ओपन का मतलब होता है स्टूडेंट इसमें गर्ल्स और स्टूडेंट दोनों कंबाइंड होके आते हैं। इसमें जिस स्टूडेंट की रैंक जितनी कम होगी उस स्टूडेंट को कॉलेजेस पहले अलॉटेड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, और ध्यान देने स्टूडेंट, जनरल ओपन की सीट में आपके OBC, SC, ST और EWS वाले स्टूडेंट भी काउंट होते हैं। चाहे तो आपका इसका प्रूफ PDF में देख लेना या आगामी दिन में उसका भी, अगर आप प्रूफ चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ध्यान देने स्टूडेंट, जनरल ओपन की जो सीट रहती है वो हर कैटेगरी को प्रोवाइड हो जाती है। इसमें जो लास्ट रैंक गई है 433 रैंक वाले को मिली है। और यहाँ पर बात करते हैं जनरल वुमेन की, तो जनरल की सीट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, जिसकी रैंक कम हो गया यह डिपेंड नहीं करता आपकी कैटेगरी क्या है, का आप ध्यान रखना। यहाँ पे जनरल वुमेन की बात करेंगे स्टूडेंट, जो लास्ट कट ऑफ जानी थी यहाँ पे 294 के बाद जो कट ऑफ जानी थी 296, 298,
300 तक जानी थी, लेकिन क्या हुआ, जो स्टूडेंट इसके बाद थे उन स्टूडेंट ने चंपावत का कॉलेजेस नहीं भरा और एक दो कॉलेजेस उन्होंने मिस कर दिया था। जैसे कि मैंने कहा था शायद टेक्निकल इशू रहा होगा, टेक्निकल फॉल्ट रहा था आपकी, इस कारण 341वीं रैंक को जनरल वुमेन की सीट मिली। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना बड़ा डिफरेंसेस हैं यहाँ पर 294 और 341 के बीच, आप देख सकते हैं, चाहे तो PDF में इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जनरल के रिगार्डिंग, मैंने डिस्कस कर लिया ये सीट उस स्टूडेंट को मिलेगी, डिपेंड नहीं करता आपकी कैटेगरी यहाँ पे क्या है, लेकिन जो ये कैटेगरी है OBC SC STEEE हो कैटेगरी वाली स्टूडेंट को मिलेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा जो हुआ स्टूडेंट हो हुआ ST और EEE कैंडिडेट को, ST और EEE कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेजेस पूरे मिले, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे थे EEE के ST के काफ़ी कम बच्चे थे और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला है। BSc नर्सिंग में शायद ST एक दो बच्चों को नहीं मिला, बाकी NM में पूरे ST EEE बच्चों को कॉलेजेस मिला है, JNM में भी EEE बच्चों को पूरा गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला है। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा था EEE वालों बच्चों का और ST वालों बच्चों का। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट OBC की बात करेंगे तो OBC ओपन में 528 रैंक गई है, OBC वुमेन में 495 यहाँ पर गई है, SC ओपन की बात करते हैं 1468 रैंक पर यहाँ पर मिला है लास्ट कॉलेज, और SC वुमेन की बात करेंगे 1141 रैंक पे यहाँ पे कॉलेजेस मिला है, ST ओपन की बात करेंगे तो 778वीं रैंक पे मिला है। ST वुमेन के यहाँ पे कोई भी सीटें नहीं एलोटेट की यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि बच्चे नहीं थे। EEE ओपन में आप देख सकते हैं 806 रैंक पे यहाँ पे कॉलेजेस मिला है, और EEE वुमेन में आप देख सकते हैं 725वीं रैंक पे यहाँ पे कट ऑफ गई है। और ध्यान देना स्टूडेंट EEE के सभी बच्चों को कॉलेजेस मिला है, ST के लगभग भी सभी बच्चों को कॉलेजेस मिला है, एक दो बच्चे रहे होंगे जिन्हें कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुआ, बाकी सारे बच्चों को कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं EEE और ST वाले बच्चों का कितना बड़ा बेनिफिट होता है। सेम JNM कट ऑफ की बात करेंगे, अब यहाँ पे JNM वाले स्टूडेंट ध्यान देना, जनरल के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जनरल ओपन जनरल वुमेन की सीट OBC SC ST EEE हर कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉटेड हो जाती है जिसकी रैंक काफ़ी कम है। अगर 112 रैंक के बीच OBC वाले भी हो गया SC ST वाले भी तो उसे भी हुई सीट यहाँ पे जनरल की अलॉटेड हुई होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट जो यहाँ पे सीट है यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जैसे मैंने मेंशन कर रखा है कि जैसे जनरल ओपन में आप देख सकते हैं 112वां रैंक, जनरल वुमेन पे 62वीं रैंक। अब यहाँ पे OBC ओपन में आप देख सकते हैं 527वीं जो रैंक थी वो मेल कैंडिडेट को मिली है, फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे OBC ओपन में 143वीं रैंक लास्ट यहाँ पे गया है। सेम OBC वुमेन में आप देख सकते हैं 107वीं रैंक वाले को OBC वुमेन की सीट मिली है। सेम SC ओपन में देख सकते हैं मेल कैंडिडेट को 789वीं रैंक पर भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला है, और फीमेल कैंडिडेट को 247वीं रैंक पर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला है। SC वुमेन में आप देख सकते हैं 186वीं रैंक यहाँ पे गई है, ST ओपन में आप देख सकते हैं 1020 रैंक को यहाँ पे मिला है। और ध्यान देना स्टूडेंट EEE में यहाँ पे जितने भी बच्चे थे उनको सबको कॉलेजेस एलोटेड हुआ है, EEE ओपन में 497वीं रैंक और EEE वुमेन में 299वीं रैंक। अब यहाँ पे सेम NM की बात करते हैं तो NM में आप देख सकते हैं जनरल ओपन वाले की जो कट ऑफ गई है 182 रैंक, क्योंकि यहाँ पे NM में सारी गर्ल्स थी, तो जनरल वुमेन की यहाँ पे बात करेंगे 109वीं रैंक, OBC ओपन की बात करेंगे तो 296वीं रैंक पे मिला है। OBC वुमेन पे देख सकते हैं लास्ट रैंक 104, SC ओपन में आप देख सकते हैं 340वीं रैंक, SC वुमेन पे आप देख सकते हैं 252वीं रैंक पे यहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड हुआ है, ST ओपन में 209 कॉलेजेस रैंक वाले को यहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड हुआ है। NM में ST EEE वाले के जितने भी बच्चे थे उनको सबको कॉलेजेस एलोटेड हुए स्टूडेंट। EEE में आप देख सकते हैं 929वीं रैंक, और EEE फीमेल की बात करेंगे तो 181वीं रैंक में यहाँ पे कॉलेजेस एलोटेड हुए हैं। आई होप ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के हेल्पफुल रहेगी। अनदर क्वेरी आपकी इस कट ऑफ के रिगार्डिंग है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कुछ भी क्वेरी होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी का आंसर आपको जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जिन स्टूडेंट को कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुए उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सेकेंड काउंसलिंग है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।